पराली इंद्रपुरी तुन खाली पसरली लाली रत्न प्रभात नुन्याली ती हसली गाली चांदणी रंग माली अप्सराली पुनव चांदना नाली। आज के इस वीडियो में हम मराठी फेस्टिव लुक क्रिएट करेंगे मेकअप हेयर स्टाइल ज्वेलरी और नववारी साड़ी के साथ। तो चला आपला मेकअप सुरू करूया। आई मीन टू से लेट्स स्टार्ट विद द मेकअप नाउ। नाउ आई प्राइम्ड माय फेस अर्लियर विद द हेल्प ऑफ एलोवेरा जेल और मैंने यहाँ पे लैक्मे का फाउंडेशन लिया है और बेस मतलब अपने स्किन के ऊपर बेस बनाया है। काफ़ी ज़्यादा मैंने फाउंडेशन लिया है जस्ट बिकॉज इट्स अ फेस्टिव टाइम, तो मैंने थोड़ा ज़्यादा फाउंडेशन लिया है। इनफैक्ट बहुत ज़्यादा फाउंडेशन लिया है, मैं कभी भी इतना फाउंडेशन नहीं लगाती हूँ। एंड आई एम ब्लेंडिंग इट ऑन माई स्किन विद द हेल्प ऑफ ब्यूटी ब्लेंडर। दिस इज़ हुडा ब्यूटीज ब्यूटी ब्लेंडर एंड आई एम लविंग इट। सो सॉफ्ट सो स्मूथ ऑन स्किन, बहुत ही अच्छे से ये ब्लेंड हो गया मेरे स्किन के ऊपर। इसके बाद में मैंने यहाँ पे मेबेलिन का कंसीलर लिया है डार्क स्पॉट्स और डार्क सर्कल्स को हाइड करने के लिए। मुझे ये कंसीलर पर्सनली बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। अगर इस कंसीलर को भी आप लगा देते हैं बिना फाउंडेशन के तो भी बहुत ही अच्छा इफेक्ट आता है आपके स्किन के ऊपर। सो गाइज द बेस मेकअप इज़ ऑलरेडी डन। नाउ आई एम कमिंग टू माई आईज़। यहाँ पे मैंने आईलाइनर लिया है और आईलाइनर पेंसिल से मैं यहाँ पे ग्रीन कलर करूँगी अपने आईलिड्स के ऊपर। ग्रीन कलर इसलिए क्योंकि साड़ी मेरी ग्रीन कलर की है। एंड ऑल्सो गाइज आई एम नॉट दैट प्रो इन डूइंग आई मेकअप। दिस इज़ द फर्स्ट टाइम आई एम डूइंग सच इलेबोरेट मेथड्स ऑफ पेंटिंग माई आईज़। तो आई जस्ट वॉन्ट यू टू अप्रिशिएट द स्किल्स दैट आई हैव शोन इन दिस वीडियो। And also I'm not that makeup oriented person, so I'm learning this type of art and I'm loving it. So yes, for this love you can hit the like button. आईलिड के आउटर कॉर्नर पे मैं यहाँ पे ये डार्क ब्राउन शिमर ले रही हूँ जो कि ग्लैम 21 आई शैडो पैलेट से, और यहाँ पे मैं कुछ ऐसे स्ट्रोक्स देने वाली हूँ। नाउ अगेन दिस इज़ द फर्स्ट टाइम आई एम डूइंग दिस ऑन वीडियो, सो यस यू कैन हिट द लाइक बटन ऑल्सो बिकॉज इट्स एक्चुअली अ डेयरिंग फ्रॉम द पर्सन कि जिसको नहीं आता है आई मेकअप एंड स्टिल आई एम डूइंग इट इन फ्रंट ऑफ यू ऑल गाइज। सो येस हिट द लाइक बटन फॉर माई करेज। ग्रीन शिमर लगाने वाली हूँ ग्रीन आई लाइनर के ऊपर टू गिव इट अ फेस्टिव लुक, अ ग्लैमरस लुक। सो हियर इट इज। इसके बाद में मैं यहाँ पे अपने आईब्रोज़ करने वाली हूँ। आईब्रोज़ को थोड़ा सा कोम कर लिया है थोड़ा सा कर्व देने के लिए, और जहाँ पे कर्व नहीं है उसको मैं कर्व करूँगी इस आईलाइनर जेल से। एंगुलर ब्रश से मैं यहाँ पे अपने आईब्रोज़ को शेप देने वाली हूँ और ऐसे स्ट्रोक्स देने वाली हूँ, और इसका एक सेपरेट वीडियो भी बनाया है मैंने अलग अलग तरीके से आप कैसे अपने आईब्रोज़ फिल कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने आई बटन में लिंक प्रोवाइड कर दी है, यू कैन चेक दैट आउट ऑल्सो। और इसी ब्रश से मैं अपना काजल भी लगा लूंगी। आईलाइनर से और मस्कारा से मैं अपना आई मेकअप फिनिश करूंगी। एंड आई मस्ट टेल यू दैट इट इज अ बिग टास्क। नाउ हाउ इट टर्नड आउट टू बी प्लीज लेट मी नो दैट। कॉन्टोरिंग के बाद में मैंने यहाँ पे लूज पाउडर लगा लिया है एक्सेप्ट फॉर द थिंग दैट लिपस्टिक इज लेफ्ट, एवरीथिंग इज डन। लिपस्टिक मैं बाद में लगाऊंगी, पहले मैं अपने कपड़े चेंज कर लूंगी। महाराष्ट्र नववारी साड़ी मैंने पहन ली है विद द लिपस्टिक ऑन माई लिप्स। ये मेबेलिन की लिपस्टिक है, बहुत ही प्यारा कलर है और महाराष्ट्रियन लुक है, इसलिए ये चांद बिंदी लगा ली है। इट इज़ कंपल्सरी टू गेट द महाराष्ट्रियन लुक। इसके बाद में जो महाराष्ट्रियन अंबाड़ा होता है यानी कि बन यानी कि जूड़ा, यहाँ पे मैं एक हाई पोनी टेल बना लूँगी और उसके बाद में रफल लगा के सिक्योर करूँगी। इस तरीके से एक नेट मिलता है और यहाँ पे मैं कवर कर लूँगी अपने जूड़े को इस नेट से। इस नेट को आप यू पिन से सिक्योर कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने एक हेयर स्विच भी लिया है, इस हेयर स्विच को भी आप सिक्योर कर लीजिए क्लिप्स के साथ में या फिर यू पिन्स के साथ में। तो ये हो गया गाइज हमारा प्यारा सा बन। इसको मैंने अपने सर के ऊपर बनाया है, आप इसको थोड़ा सा नीचे की तरफ भी बना सकते हैं। इसके बाद में मैंने लिया है गजरा और गजरे को बस कुछ नहीं करना है, इस तरीके से लपेट दो और अगेन सिक्योर इट विद द हेल्प ऑफ पिंस। सो गाइज एवरीथिंग इज डन नाउ, मेकअप कॉस्ट्यूम एवरीथिंग, ओनली थिंग इज दैट लेफ्ट इज द ज्वेलरी। तो यहाँ पे हम फुल लुक देखते हैं जहाँ पे हम ज्वेलरी भी देख सकते हैं।
तो ये है मेरा मराठी फेस्टिव लुक गाइज। मैंने पेशवाई नौवारी साड़ी पहनी हुई है, ये साड़ी रेडीमेड साड़ी है और यहाँ पे ट्रेडिशनल मराठी ज्वेलरी पहनी हुई है जिसमें मंगलसूत्र नथ ये कंपलसरी होता है। ये नौवारी साड़ी पेशवाई स्टाइल में ही बंधी हुई है और देखिए कितना प्यारा इसका कलर है और लुक कितना सुंदर है। सो गाइज ये था मेरा पूरा मराठी फेस्टिव लुक। अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक शेयर और कमेंट कर दीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है। मेरे अगले वीडियो आने तक बाय बाय, टेक केयर।